शुभ अष्टमी टू ऑल ऑफ यू, यानी कि हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। मैं आज का दिन निकलने वाली नहीं थी, लेकिन सुमित ने बोला 4 साल के बाद हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए कोलकाता आए हैं और आप नहीं जाओगे, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, मेरा जो इश्यूज़ है उसको साइड में रखते हैं। सही में 4 साल के बाद आए कोलकाता, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट ना करूँ हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस साल का दुर्गा पूजा ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, क्या बताऊं। वैसे आज तो मैं अष्टमी के दिन के हिसाब से आज का ब्लॉग में शूट कर रही हूँ, लेकिन आज अष्टमी नहीं है, तिथि के हिसाब से, यानी कि जो लग्न बोलते हैं ना उस हिसाब से आज अष्टमी नहीं है, आज सप्तमी है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गाइस। कुछ भी हो, मैं अष्टमी के दिन हिसाब से सेलिब्रेट किया, बस उस हिसाब से आप सबके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये जो पंडाल है ना, 15 मिनट से ऊपर हम लोग लाइन लगा के खड़े थे इसके अंदर एंट्री होने के लिए। बहुत पैर दुख गया है, कहीं पे भी पंडाल में जाओ लाइन लाइन लाइन, तो बहुत इरिटेट भी हो जाता है। जब बाद में जब पंडाल के अंदर एंट्री करते हैं ना, वो इरिटेशन ख़त्म हो जाता है पंडाल का खूबसूरती देखकर। खूबसूरत है ना, आप लोग कॉमेंट करके बताओ खूबसूरत है कि नहीं। आप में से कितने सारे फ्रेंड हो जो मेरे जैसे करते हो, पंडाल के अंदर स्टैंड फैन देखा नहीं कि जाके खड़े हो गए। बहुत गर्मी था गाइस, जिसके लिए ऐसा हो रहा था, और फैन के वजह से ना वो सुकून सा मिल रहा था। थोड़ी देर के लिए पसीना से एकदम भीग रहे थे, फिर पंडाल के अंदर फैन को ऐसे देखते हुए एकदम खुशी जो महसूस होता है ना, वो आपको क्या ही बताऊँ। अगर मेरे तरह अगर आपने किया होगा तो आपको पता है इसका खुशी। सो देखिए, मैं अच्छे से निहार रही हूँ अब सब पंडाल को, और ये जितना आज पंडाल मैं दिखा रही हूँ ना दुर्गा पूजा का, सब ये श्रीरामपुर का है। कितना खूबसूरत है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देख के राजस्थान का कुछ थीम किया हुआ है कठपुतली का, बहुत अच्छा लग रहा था। और सुमित को मैं बोल रही थी ये देखो ये तुम हो, और फिर मुझे सुमित ने दिखाया वो देखो तुम मुझे बोल रहे हो और तुम भी इधर हो,
तो मैं इधर देखी तो मुझे पता चला, अच्छा इधर लड़का लड़की जो कुछ कठपुतली का देश होता है ना, ऐसा कुछ थीम बनाया है। ये देखिए मैं सुमित इसको दिखा रहे थे, बहुत खूबसूरत लगा मुझे श्रीरामपुर का जितना पंडाल मैंने विजिट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी ये मेला के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ, इधर से कुछ ना कुछ खाएंगे, खाने के बाद मैं दूसरा पंडाल विजिट करूँगी। सब कुछ मैं उतना शूट नहीं किया जितना हो सके मैंने शूट किया है, और ये जो मोमो है ना एकदम टेस्टलेस है, एकदम अच्छा नहीं था, फिर भी खाना पड़ा, ऑर्डर किया तो खाना तो पड़ेगा, वेस्ट तो नहीं कर सकते। उधर से खाना वाना खाने के बाद हम लोग दूसरे पंडाल में घूमने के लिए कतार पर लाइन पर खड़े थे जैसे कि देख सकते हो, और इसी जगह पर घट गया मेरे साथ एक घटना। वो क्या है मैं आगे आपको बताती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। सुमित उबासी ले रहे हैं, थक गया ना बेचारा। জেকি মেকে জোনা কি চলছে তোর তোমার চুটকে চুলটা ভালো হচ্ছে। গাইস अभी हम घर जा रहे हैं, अभी रात के 12:15 हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता था आज है अष्टमी, बाद में पता चला आज अष्टमी नहीं है सप्तमी है ना बाबू, और कल अष्टमी नवमी दोनों है। हाँ कल अष्टमी नवमी दोनों एक साथ है, मतलब कैसे हौचपौच वाला ये फेस्टिवल रहा, मतलब मैं जो सोच के ब्लॉग बना रही थी सब उल्टा पुल्टा है बाबू। आज मैंने अष्टमी वाला ब्लॉग बनाया है। ना तो भी ठीक ही क्यों बोल रहे, आज तो सप्तमी कल का अष्टमी। हाँ मैं अब ऐसे ही करूँगी। मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही देर जा रहा है, अभी बीच में जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है। सो गाइस अभी घर जा रही हूँ, खाना भी ले लिया है, और घर जाते हुए कुछ पंडाल दिखता है वो भी देख लेना आप भी। ये देखिए